हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रैशमैन 4। वीडियो शुरू करने के पहले कुछ बात बताना है। सबसे पहले ये देखो, इसको मैं टेम किया था ऑफलाइन। इसका नाम मैं सोचा मिल्की, का कारण ये बहुत ज़्यादा वाइट है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा था, पिछले वाली वीडियो में रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ठीक है। पिछले वाली वीडियो में मैं चीटिंग किया था, ये चल खुल जा। जब मैं इस विलेजर्स को ले आया था, तब मैं क्रिएटिव मोड से विलेजर स्पॉनिंग का यूज़ किया था इस मेरे इस चीटिंग के लिए। रुको, पहले ऐसे निकालने दो, ठीक है। मेरे इस चीटिंग के लिए मैं वीडियो के अंदर सब शपथ लेता हूँ कि मैं पूरा के पूरा 30 एमरल्स फेंक दूंगा। मतलब अब समझ रहे हो ना, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ डिस्पॉन होने के लिए फेंक दूंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोला था इन दोनों का नेम सजेस्ट करने का। प्लीज़ गाइस, आप लोग सजेस्ट करो इन दोनों का नेम, ठीक है। आपसे ऐसे सोचा हो कि मैं इसको टेम कैसे किया। मेरे पास तो फिशिंग रॉड नहीं है। इधर मैं ऑफलाइन थोड़ा सा फिशिंग किया था, और मैं फिशिंग रॉड बनाने के बाद मैं सोचा मेरे पास तो इंजेंटिंग सेटअप है, मतलब इंजनिंग के लिए सब कुछ है, उसको इंजन कर लेते हैं। मैं इसको 30, यहाँ पर जो इंजनमेंट आपको दिख रहा है, ये तीसरी बार में मुझे मिला था। मतलब इसको 3 बार इंजन टेबल में रखना पड़ा था, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड रुको। हाँ, हमें ऊपर आ गया। मैं जो बोल रहा था, मैं नीचे का विलेजर्स को, पहले वो 2 विलेजर्स था, आप नीचे पूरा के पूरे 12 विलेजर्स है, उसको मैं इस ब्रेथ से ब्रीथ कर रहा था। और आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं इतना सारा सीट्स को, मतलब इतना सारा सीट्स का मैं काटूंगा क्या? आपसे भी ये बोलो, हम क्या इसको सेल कर सकते हैं? और मुझे इन दोनों जगह को अलग करना पड़ा। इसमें है सब, मतलब भेज फूड, और इसमें है सब नॉन भेज, ठीक है। रात हो रहा है, मैं जब भी वीडियो शुरू करते हैं और रात होता है, ठीक है, चलो सो जाते हैं। ठीक है गाइस, जो मैं बोल रहा था, मैं इन लोगों के लिए वर्क स्टेशन बना के ही रखा। मैं तो तुम लोग मेरे इन्वेंटरी में देख सकते हो, ये रहा। वेट, ठीक है, ये रहा 4 लैक्टेंस एंड 2 कॉम्पोस्टर। मैं अब 6 विलेजर्स को ही जॉब दूंगा, बाकी के विलेजर्स को मैं बाद में जॉब दूंगा। ये सब ऐसे, ठीक है, इस सब
लगा लेते हैं, मतलब इन लोगों को गुद गुद ट्रेड में सेट कर लेते हैं एक जगह यहाँ पर। कौन बना? ये बना, देखते ये क्या दे रहा है भाई। कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, मुझे ये फार्मर नहीं चाहिए। मैं इसके कंपोस्टर बाद में तोड़ दूंगा। कौन बना? ठीक है, यस मुझे इस फार्मर को चाहिए, कारण मुझे इस ट्रेड को करना है। 20 हिट्स के बदले एक एमरल्ड क्यों करना है? इस तरफ आओ, दिखा था आपको मेरा जो व्हीट फार्म है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पर एक बार सब अगर उग जाए देन मुझे 2.5 स्टैक मिलता है, मतलब व्हीट। उस सबको तो मैं खा नहीं सकता और मैं ज़्यादा विलेजर्स को ब्रीद भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि कुछ कुछ व्हीट को बेच दूँगा। ठीक है, अब चलो फिर से अंदर चलते हैं। ठीक है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर तू निकले ना, रुको रुको रुको, मैं सोचा ऊपर से झलंग लगा दे। ठीक है, मैं सोचा ऊपर से भी एक आने जाने का रास्ता बना दूंगा। ठीक, अब चल इस लेक्टन्स को लगा कर जब कुछ कुछ बहुत अच्छा अच्छा लाइब्रेरियन बना देते हैं। मतलब अगर कोई मेंडिंग का बन जाए देन तो मज़ा ही मज़ा। ठीक है, इसको लगाते हैं। मैं सिर्फ एक बार लगाना ही दिखाऊंगा अब लोगों को। कौन बना? ये रहा, देखते इसका ट्रेड। क्या क्या है ये? प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1, सबसे घटिया। ठीक है, इसको मैं बाद में तोड़ दूंगा, तोड़ तोड़ के फिर से लगाऊंगा। ठीक है, आप एक और लगाते हैं कोई ना एक तो। यस ये वाला, इसको भी मैं तोड़ दूंगा। रुक 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 रुक, मुझे ना इस ट्रेड को चाहिए, ये वाला ट्रेड पेपर का। क्यों चाहिए मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। कौन बना? कौन ये रहा? देखते इसका ट्रेड। फायर एक्सपेक्ट 2, ये काम का भी ले जैसे। ठीक है, ये सिर्फ काम का है, नहीं बाकी का सब फालतू है। ये रहा लास्ट, कौन ये रहा? लॉयलिटी 2। ये भी थोड़ा सा काम का ही है। ठीक है, आप चलो बाहर जाते हैं और आपको मैं दी दिखाता हूँ। आर यू गाइस रेडी? सी, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा ना ये बहुत डर है कि मैं बोलते जाओ लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ।
ठीक है, लगभग पूरा डबल चेस्ट फुल ऑफ शुगर केन। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस ट्रेड को मुझे इस ट्रेड मुझे चाहिए। रुको, मैं क्या यहाँ से ट्रेड कर सकते हो? नहीं, ठीक है। अब चलो कुछ सुबह के लेकर चलते हैं और कुछ इमरल्स कमाते हैं। रुको रुको, लेकर जाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस, मैं कुछ इतना सारा सुबह के लेकर आ गया। और इस विलेजर्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा तू ये दरवाजे के पास क्यों खड़ा है। उस तरफ जा, उस तरफ जा। भागने के प्लान चल रहा है। ठीक है, अब चलो पेपर बना लेते हैं। यहाँ पर एक कैप्टन टेबल में पहले से एक गाड़ कर रखा था। ठीक है, चलो मैं सिर्फ इस ऊपर का रो का ही पेपर बनाऊंगा। झटपट पेपर बना लेते हैं। ठीक है गाइस, मैं इतना सारा पेपर बना लिया। अब चल, अब सिर्फ एक चीज़ देखो, जब भी इसको हाथ में लूँगा, देखते हैं। ये देखो, ये मर निकल रहा है। इसके बुक क्या था? ओके गाइस, मैं इसके साथ ट्रेडिंग करना चाहूँगा। चल चल, और हाँ गाइस, मैं ये ट्रेड कोई बुक खरीदने के लिए नहीं, मैं एमरल फेंकने के लिए कर रहा हूँ। रुक रुक रुक, आप ये इसका ये ट्रेड देखते हैं। फायर प्रोटेक्शन बुरा नहीं है। ठीक है, चलो इसको मैं पूरा देखो, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक और के साथ ट्रेड करता हूँ। ये देखो, ये अपडेट क्या है, ये पार्टिकल क्यों निकल रहा है। ठीक है, इसका इसका क्या ट्रेड था? लॉयलिटी टू। ठीक है, इसके साथ करते हैं। ठीक, मुझे देखो ऊपर के रो से मुझे करीब 18 एमरल्स मिला। ठीक है, आप चलो और कुछ मतलब ये सब का पेपर बना लेते हैं जल्दी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 1 सेकेंड ही रुकना पड़ेगा। और हाँ, मैं तो एक चीज़ बताना भूल ही गया, पिछली बार मैं जब पेपर बना रहा था, तब पेपर इतना सारा पेपर मैं कैप कर रहा था कि रात हो गया था। फिर से मेरे फिर से सो के आया था। ठीक है, चलो जो कर रहा था वो काम करते हैं गाइस। मैं सब पेपर बना लिया।
मैं मेरा वो वाले विलेजर के पास जाऊंगा। ये क्या बुक दे रहा है? प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन। मैं इसके साथ तो नहीं करूंगा। ये क्या दे रहा है? तो ठीक है, मैं इसके साथ करती हूँ। तो और थोड़ा सा ट्रेंड चल ले ले। क्या कचरा कर रहा हो? चल दे मुझे। ठीक है, मैं पूरा वीडियो के अंदर ही सब तेज करूँगा। आप अगर चाहो तो कट कर सकते हो। ये भी बंद कर लिया। चलो कोई दूसरा फिर जाए। ठीक है, आप कोई दूसरे विलेजर के पास चलते हैं। तू मुझे क्या दे रहा था? प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। ये मुझे क्या दे रहा है? ये तो बंद है, इसका वो वाला ट्रेड। ये मुझे क्या दे रहा है? ठीक है, इसके साथ ही करता हूँ। हाँ, ये फालतू का है, लेकिन कोई बात। रुको रुको रुको, बिना इसका लेकिन तोड़ देता हूँ। ये किसका है? ये कैसा है? प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन। ठीक है, मैं इसका लेकिन तोड़ देता हूँ। ठीक है चल सर, चल कोई बन जा, तू बन जा। यस, तो बहुत अच्छा ट्रेड दे रहा है रे तुझे तो। मैं क्या? ठीक है, अभी इसको तोड़ते हैं। चल तो सर, उस तरफ जा और मुझे बस तू बन जा। तू क्या दे रहा है? लूटिंग वॉ। ठीक है, मैं इसके साथ करूँगा ट्रेड। ये बहुत अच्छा चीज दे रहा है। आप देखते हैं लेवल टू में क्या दे रहा है? क्विक चार्ज, कोई काम का नहीं। ठीक है चल, रुको रात हो रहा है। ठीक है, मैं भी सोकर आता हूँ जल्द। गाइस देखो, मैं जिसके साथ कर रहा था लूटिंग वन वाला, वो उसका ट्रेड बदल दिया। ठीक है, ये क्या दे रहा था? फायर स्ट्रिक। ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। ठीक है जी, ठीक है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ये फिर से स्टॉक में आ गया। अब चलो, मतलब फिर से पेपर बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। ठीक है गाइस, मैं पेपर बना लिया। अब चलो।
ट्रेडिंग सेटिंग करते हैं फिर से इसके साथ। ये लूटिंग वाला बंदा लॉयलिटी टू चल चल अब इसके साथ करते हैं। तू मुझे जितना दे सकता है दे। ये भी बंद कर दिया। तू क्या दे रहा था? फायर स्पेक टू, ठीक है। लहल तुम्हें तू क्या दे रहा था? फायर प्रोटेक्शन फोर, ठीक है। मैं तेरे साथ करता हूँ। ठीक है। अब चलो मुझे मुझे ऐसे निकालने दो। देखो मैं कितने एमएमएल्स कमा लिया। ठीक है, मैं कितने एमएमएल्स कमा लिया। अब चलो 30 ml को फेंक देते हैं, मैं जो बोला था। चलो मैं 30 ml को रेडी करके ले आता हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ पर ऊपर का जो 35 ml है ये मेरा है, लेकिन मैं सिर्फ इस 30 ml को फेंकने वाला हूँ। यहाँ पर इस जगह है बोरा, मेरा घर एरा जंगल बायोम। यहाँ पर एक जंगल बायोम है, ठीक है। चलो इसको फिर फेंकते हैं। ठीक, इसको फेंक दिया। अभी एक कुछ देर बाद डिस्पॉन हो जाएगा। चल, और हाँ आप लोगों को मुझे एक चीज़ दिखाना है। रुको, मैं सबसे पहले रेडी होकर आता हूँ वो चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, देखो आप सुनो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। मैं जब इस मोग्रैंड एक्सफॉर्म को बना रहा था तभी मैं आपको बोला था कि मैं कुछ पर गिर के मर गया था। उसके बाद भी मेरे पास जितना एक्सपी था वैसा ही एक्सपी था। उसके बाद जितना जो सामान जैसे था वैसे ही था। इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं पूरा नंगा पुंगा हो कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी आर्मर नहीं है। आपको सच पता है मेरा बूट में फेयर फॉलिंग 3 है। अगर मैं वो बूट को पहकर आता मैं मरता नहीं, बच जाता। इसीलिए मैं सिर्फ एक डार्ट ब्लॉक को लेकर आया। ठीक है, आप देखो मैं यहाँ से फॉल डैमेज खा के मारूंगा, देखना क्या होता है। जिंदगी में पहली बार मरने के लिए। चलो फिर से ऊपर चलते हैं। गाइस देखो इस बार तो मैं पक्का मर जाऊंगा। ठीक है, अब चलो अब सिर्फ देखना। रुको रुको रुको, मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रहा था। ठीक है, रिस्पॉन पॉइंट मेरा पहले से सेट ही था। अब चलो कूदते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं मर गया। अब देखो मैं रिस्पॉन होऊंगा। देखा,
मेरे पास एक एक दार्ट था और 24 लेवल था। मेरे पास वैसा ही सब कुछ है। अब रुको, मैं ना मेरे बॉस से एक बार मारने की कोशिश करता हूँ। बॉस से मैं खुद के ऊपर शूट करूँगा। रुको एक सेकेंड, मुझे बाहर जाने दो। चल, एरो नहीं है, फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। मरने के लिए किस मरने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। देखो तुम्हारा भाई कितना ज्यादा प्रो है। ठीक है, मजाक बहुत हो गया, अब चलो रैपिड शूट करूंगा। बस बस इस बारी में मर जाऊंगा। गया, ठीक, अब चलो ऊपर इसको। भाई देखा, देखो देखो, मेरे पास जहां पर जो सामान था सब है। ये कोई ग्लिस व्लिस हो रहा है। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सी यू।